नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष झा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स मणिपाल हॉस्पिटल से। आज मैं आप सबके सामने कंधे में होने वाली एक और कॉमन प्रॉब्लम, जिसे रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या टेयर कहते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे कंधे के ऊपर अटैच होती हैं और जिनसे हमारे कंधे की मेन मूवमेंट्स होती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मरीजों को रोटेटर कफ में प्रॉब्लम आती है। इसको हम मूलतः दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें कि मांसपेशियों के अंदर अंदरूनी घिसावट आती है, जिसे हम टेंडिनाइटिस कहते हैं, और दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें ये मांसपेशी या तो आधी या पूरी टूट जाती है, जिसे हम पार्शियल या कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर कहते हैं। ये बीमारी किन लोगों में प्रायः पाई जाती है, ये भी हम दो अलग अलग एज कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यंग पेशेंट्स में जो काफ़ी एक्टिव हैं, एथलेटिक हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल या स्विमिंग करते हैं, उनमें अक्सर इंजरी की वजह से रोटेटर कफ के पार्शियल या कंप्लीट टीयर देखे जाते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, उनमें धीरे धीरे डीजेनरेशन की वजह से रोटेटर कफ की टेंडिनाइटिस होती है। आगे चल के ये टेंडिनाइटिस भी टीयर में कन्वर्ट हो सकती है। मरीज को रोटेटर कफ की प्रॉब्लम से क्या दिक्कतें आती हैं? नॉर्मली मरीजों को अपने कंधे की एक खास एंगल की मूवमेंट में पेन महसूस होता है। मरीज ये कह सकता है कि जब हम कंधे को ऊपर उठाते हैं तो शुरुआत में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 90 डिग्री के ऊपर जब कंधे को ले जाते हैं, जैसा कि नॉर्मली हम किसी ऊंचे जगह से कोई सामान उतारने की कोशिश कर रहे हैं, या सपोज़ कि किसी कपड़े को हम किसी वायर पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय मरीज़ को अपने कंधे में एक शार्प पेन महसूस होता है। ये धीरे धीरे चल के बढ़ता जाता है और जब इसमें टेयर हो जाता है तो मरीज़ ये शिकायत करता है कि अब वो अपने कंधे को पूरी तरह उठा नहीं सकता या उस हाथ से कोई चीज़ को दूर तक फेंक नहीं सकता। कैसे पता लगाएं कि हमें रोटेटर कफ की टेंडिनाइटिस या टेयर की शिकायत है? इसके लिए MRI या अल्ट्रासाउंड की जाँच होती है। डॉक्टर आपको क्लिनिक में एग्जामिन करके भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से आपको टेंडिनाइटिस या टेयर हो सकता है। इलाज कैसे संभव है? जी हाँ, ये पूरी तरह इलाज किया जा सकता है। इसका शुरुआती स्टेज में जब टेंडिनाइटिस की शिकायत होती है तो मरीज़ों को हम कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेस बताते हैं और साथ में टेंडन के रिपेयर करने के लिए कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, वो दी जाती हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें हमें इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी रिकमेंड किए जाते हैं। जब ये पूरी तरह से टूट चुका है, यानी कि ये कंप्लीट टीयर का केस है, तो उस केस में हम दूरबीन से इसके रिपेयर की सर्जरी रिकमेंड करते हैं। ये सर्जरी आज की डेट में काफ़ी कामयाब है और 3 से 6 महीने के रिहैबिलिटेशन के बाद मरीज दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को कर सकता है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस और टीयर की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारी हॉस्पिटल की टीम पूरी तरह इक्विप्ड है MRI अल्ट्रासाउंड से इसको डिटेक्ट करने में। तो आए मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद और अपने कंधे से रिलेटेड रोटेटर कफ पैथोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाएँ और इसके इलाज से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।